अंसल ग्रीन वैली में पीड़ित परिवारों के साथ हुई मारपीट के मामले को 5 महीने बीत चुके हैं। पीड़ित परिवार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को कई बार ज्ञापन भी दे चुका है, लेकिन आरोपियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देहरादून के अंसल ग्रीन वैली में पीड़ित परिवार ने यूकेडी के शिव प्रसाद सेमवाल के साथ रैली निकालकर चौकी इंचार्ज को दोषी पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा। पीड़ित विगत 5 महीने से दोषी पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपको बता दें कि अंसल ग्रीन वैली में सोसाइटी के सचिव प्रवीण भारद्वाज के घर में घुसकर मारपीट हुई थी। मारपीट का आरोप बीजेपी के पार्षदों पर है। सोसाइटी सचिव ने कहा कि अगर दोषी पार्षदों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन की होगी। पुलिस से निवेदन है कि पुलिस इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे, इनको अरेस्ट करे, गिरफ्तार करे पुलिस इनको। और जितने लोग जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं मेरे परिवार के ऊपर हमला करते हुए, जिनका नाम FIR में नहीं लिखा गया था, उन लोगों को मुलजिम बनाया जाए और उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। और जो मंत्री है हमारे गणेश जोशी जी, ये सब काम उनके दबाव में हो रहा है। प्रशासन भी जो है उनकी बात को लेके जो है कमजोर आदमी ऊपर जा रहा है। सारे घुमाते हैं, इनके जो पार्षद है इनके घर पे गए, मारपीट करा इनके साथ, इनके बेटे को मारा गया, बोतल उसके साफ फोटो में दिखाई दी कि बोतल लेके आग जलाने जा रहा है। ये कितना कृत्य अपराध है आप भी जानते हो। उसके बाद इन्होंने रिपोर्ट लिखवाई थी पुलिस प्रशासन में, इन्हीं के आदमियों को, इन्हीं लोगों को 14-14 घंटे हमारे भाइयों को बंद करा। जब इन्होंने आवाज उठाई तो उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं, उल्टा इस पर इनके साथ जो है मारपीट कर दी गई और मारपीट करने वालों के खिलाफ अभी तक भी जो है गिरफ्तारी नहीं हुई और 5 महीने के बावजूद अभी तक चार्जशीट नहीं दी गई है। तो आज हम लोग इसी को लेकर के एजिटेशन में यहाँ पर आए थे और हमने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि तत्काल ये जो भी दोषी पार्षद है उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और अवैध कब्जों को जो है तत्काल छुड़वाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।